कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन। कुछ तुम भी पढ़ो, कुछ तुम भी पढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है। सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है। आज 2 बरस बाद लौट रही हूँ। कुछ भी तो नहीं बदला सिवाय इस पुल के। ये नदी आज भी उसी तरह बह रही है जैसे उस वक्त बहा करती थी, तब घेरव अपनी नाव से उस पार उतारा करता था। कल ही की तो बात लगती है। गुरु भव सागर डर भारी, सतगुरु भव सागर डर भारी, काम क्रोध मद लोभ भावर जित लर जत नाव हमारे। सतगुरु भव सागर डर भारी, सतगुरु भव सागर डर भारी। तिस ना लहर उठत दिन राती, लागत अति झट झोरा, ममता पवन अधिक डर पावे, कांपत है मन मोरा। आराज सुनाओ गुरु सुखदेव सहाय करो, अब धीरज रहा न कोई, चरण दास को पार उतारो, शरण तुम्हारी सोए। सतगुरु भव सागर डर भारी, सतगुरु भव सागर डर भारी। अच्छा गा लेते हो? मेरे पिता ज्यादा अच्छा गाते थे, रामफेर दादा ना। हाँ, अच्छा समय निकल गया उन लोगों का। हाँ, अब तो टाइम ही खराब आ रहा है। सो तो है, जब से कारखाने का पानी नदी में डाला है सारी नदी गंधाती है, सारी मछलियां भी खराब हो जाती हैं। नदी को नाला बना देंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे हम मछुआरे? केवटो की रोजी जाने वाली है, पुल बनेगा ना, पुल। पुल बनेगा तब तो बहुत अच्छा है, नाव का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नाव का झंझट खत्म हो जाएगा? अरे इसी झंझट से मेरी रोजी चलती है। पुल आएगा तो नाव भी खत्म हो जाएगी। मच्छी ले लो, मच्छी। हेलो
ताजा मच्छी ले लो। ए बाबू मच्छी ले ले। बिल्कुल ताजी है। मछुआरन भी एकदम ताजी है। बस बस अब आगे मत बोलना। अच्छा ठीक है, क्या भाव दिए? कली वाला भाव है। कल वाला भाव है? हाँ ठीक है, सारी तोड़ ले। ए 32 रुपए किलो बेची है ना तूने इसे? हाँ इसमें 7 रुपए कम है। हाय राम, देख रही थी बहुत दिनों से घोटाले कर रहा है, आज पकड़ लिया ना। क्या मतलब? इसमें 7 रुपए कम है। अरे कुछ आता भी है हिसाब लगाना। इसे नहीं आता तो क्या मुझे भी नहीं आता? चुपचाप टेटे से 7 रुपए निकाल के दे दे और कभी इधर का रुख मत करियो। अरे ये तो रोजाना पूरी टोकरी तुलवाता था और पैसे देता था आधे अधूरे। किसकी गलती है इसमें? जब तक अपना हिसाब करना नहीं सीखेगी ऐसे ठगों से कैसे बचेगी? देखो ठगबग मत कहना, बता रहा हूँ। देख जिस हंसिये से रोहू काटती हूँ ना उसी से तेरा पजामा फाड़ दूंगी। आया बड़ा, हम तो नदी में डूबकर मछली पकड़ते हैं और तुझे मुफ्त में दे दे है? चल चल निकाल मेरे 7 रुपए। ये ले। दिन वाली बात सोचती हूँ तो लगता है कि देखो अभी कब तक और ठगी जाती। सो तो है। क्या हुआ? मुझे भी सिखा देना यह हिसाब किताब। 3 पाव 3 पाव ये सब कमबख्त कभी मेरे समझ में ही नहीं आता। ये सब तो बहुत आसान है और पढ़ने लिखने से आता है। अच्छा शाम को उस कक्षा में आ जाए कर जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ। अच्छा वो जो पढ़ाई के बगिया में है? हाँ हाँ वही। तू शाम को आएगी ना? हाँ मैं जरूर आऊंगी, फिर पूरे पैसे लूंगी इनसे। हाँ चल। अरे आज तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए, आओ। अब सारी मछलियाँ बिक गई तो वहाँ क्या करते? सोचता हूँ मैं मछली का जाल ले आऊं। साल भर में नदी में मछलियाँ कहाँ रहेंगी? अब नदी गंदी जो हो रही है सब मर जाएंगी। भगवान जाने अब क्या होगा। चल भाई। रोजी पर चोट आने वाली है। कल गांव में कुछ शहरी आए थे नीला पीला पहनकर। किसी के पहनने ओढ़ने पर तुम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अरे कोई काला लपेटे हमें क्या, लेकिन वो बात नहीं है। तो क्या, फूल कली की महतारी घात छील रही थी, वो लोग बड़ी बड़ी मशीनों पर बैठ कर आए थे। सारा जैसी बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, वो क्या कहते हैं करेने भी आई हैं। मतलब कि अब देर नहीं है पुल बनने में? कुछ भी बने, अपना तो सब कुछ खत्म हो गया ना। तेरे ब्याह की चिंता अभी तक दूर नहीं हुई और एक नई मुसीबत और आ गई। नाव डूबने वाली है, अब तो राम ही नैया पार करेंगे। साहेब बूढ़क नाव हमारी। घर आया तो गुड़ और पानी नहीं दोगे क्या? उतना भर तो ठीक है, लेकिन सुना है फूलपुर के लोग गुड़ पानी के बाद खाना खाने बैठ जाते हैं। सुन तो हमने भी बहुत कुछ रखा है कि रामपुर की लड़कियाँ फूलपुर के नौजवानों को बिना खिलाए नहीं भेजती। सुनते रहो और होते रहो मगन। फूलपुर वालों ने भी बहुत कुछ जान और सुन रखा है। हाँ
वो ये भी जानते हैं कि कैसे बेचारी एक मास्टरनी को गांव से बाहर कर दिया जाए। अरे तो उसने भी तो एक दिन अपनी कक्षा में जाकर कह दिया कि फूल के अंगूठा टेकों और लठ टेकों को कलम टेक बना दूंगी। अब ये भी कब बात हुई? बस फिर क्या था, चार अंगूठा टेक पहुंच गया मास्टर के घर में और उसको जाकर बोले कि अपना बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। बस तो ये क्या अच्छा हुआ, एक अकेली औरत को चार मर्द घेर ले, ये कहाँ की मर्दानगी हुई? अरे तो मास्टरनी को भी अपनी हद में रहना चाहिए था ना। उसने क्या बुरा कहा, फूलपुर पूरा निरक्षर है, बेचारी सबको पढ़ाने का बीड़ा उठाकर आई थी, फूलपुर में तो पत्थर ही पत्थर भरे हैं। हाँ लगता है रामपुर के तो पेड़ पौधे भी पढ़े लिखे हैं। उड़ा लो हंसी, लेकिन एक बात जान लो, रामपुर में फूलपुर जैसे ठट के ठट अनपढ़ भी नहीं है। आ रही हूँ बाजार से मछली बेचकर, लेकिन रात को जाकर पढ़ूंगी। पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ, ना जाल का भरोसा है ना नाव का, नदी का पानी भी गंदा हो रहा है, पुल भी बनने वाला है, ये हुआ का? क्या हुआ का? हाँ तो का से क्या होता है, कहानी। हाँ तो कहानी शुरू हुआ का से। कौन सी कहानी सुनाते हैं आप बच्चों को? परी। हाँ परी की कहानी, और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो परी किससे हुआ? पा से। हाँ तो पा कैसे लिखेंगे? पा लिखिए। पासे परी, पासे परी। अब ये मैंने लिखा है परी, आप सब लिखो अपनी स्लेट पे। अरे वाह, रत्ना ने तो बहुत खूबसूरत लिखा है, दिखाओ रत्ना। ये देखो रत्ना ने कितना खूबसूरत लिखा है, सबने ऐसा लिखा है? अरे कौन है, कौन है वहां? अरे जो लोग फूलपुर का सेंटर बंद करवाने गए थे उनमें से एक ये भी था। अब तुम मुंह फेर कर क्यों बैठी हो, कुछ कहोगी नहीं क्या? तुम, मुझे सब मालूम है, और जब से पता चला है एक ही चीज समझ आती है, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या हुआ भाई? मास्टरनी को जो लोग धमकाने गए थे उनमें से तुम एक थे कि नहीं? ये तुमसे किसने कहा? मास्टरनी को जाकर धमकाते हो और मुझसे पूछते हो कि किसने कहा? अरे भाई मैं तो सबसे पीछे था। अब चार लोगों में कौन आगे कौन पीछे, अच्छा खासा सेंटर चल रहा था, सब उजाड़ के रख दिया। अरे काली माई मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता था कि मास्टर ने की कोई बेइज्जती करे। अब इसमें मास्टर ने की बेइज्जती कहाँ हुई, उसने तो अपना सेंटर उठा के फूलपुर से रामपुर में लगा दिया ना, बेचारी इतनी भली है कि किसी से शिकायत तक नहीं की उसने। अब गलती तो राम समझो और झगड़ू ने की थी ना। अब झगड़ू झगड़ा नहीं करेगा तो कौन करेगा, मास्टरनी ने तो यही कहा था ना कि अंगूठा टेकों को कलम टेक बना छोड़ूंगी, अब ऐसी प्रतिज्ञा कौन करता है? सोचता हूँ
मैं भी कभी कभी मास्टर जी की कक्षा में होके आऊं। अब हम भी क्या हैं? है तो अंगूठा टेक ही ना। लगता है हमारे साथ भी परसों घपला हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि बारात आई थी, अरे बहुत बड़ी बारात थी, इस पार से उस पार पहुंचाने में 8-9 चक्कर लगे हमारे, और फिर गुना भाग करके उन्होंने जो उतराई की रकम दी ना, हमको लगा कि बहुत कम है, पर हम कर क्या सकते थे, पढ़े लिखे तो है नहीं, 10-20 के नोट पहचान सकते हैं, 10-20 आगे गिन नहीं सकते ना, और फिर अनपढ़ हैं, सबसे बड़ी मुश्किल है हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते कोई। मुश्किल तो उससे भी होगी जो तुम्हारी महरिया बनकर घर आएगी, अब अनपढ़ के साथ शादी करना कौन पसंद करेगा? अगर पढ़ लिख जाऊंगा तो तुम मेरा हाथ थामने से इनकार तो नहीं करोगी? हम किसी से क्या वादा करें, एक से किया था वो इसी नदी में बह बूड़ गया, आदमी तो अच्छा ही था। होने को कौन डाल सकता है, लेकिन रत्ना आदमी मैं भी बुरा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, लेकिन पढ़ूंगा, तुम्हारे लायक बनूंगा। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम घेराव हो ना, सबको नदी पार कराते हो और कोई कुछ भी दे दे ले लेते हो। लेकिन आप शायद एक बात नहीं जानती, जिन लोगों ने आपसे गाली गलौज किया और आपको फूलपुर से निकाला उनमें मैं भी शामिल था। हो गए, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ना। मैं सबसे पीछे था जी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। देखो माफ तो मैं कर देती हूँ मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ, आप जब भी मेरी नाव में बैठकर नदी पार करेंगे मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं, किसी की मजदूरी ना देकर भला मैं अपने सर पर पाप थोड़े ही लूंगी। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी रात की साक्षरता की कक्षा में आना होगा। जी मैं तो ये पूछने आया था कि अगर झगड़ू भी मेरे साथ। अच्छा, झगड़ू भी आना चाहता है तो आए ना, उसे किसने रोका है। और हाँ जी, उसे कहना कि एक हाथ में लाठी और दूसरे में कलम का जोड़ अच्छा लगेगा। आसे होता है अनार, क्या होता है अनार, और आसे होता है आम, बोलो आम। अरे घेरो क्या हो गया तुम्हें, कैसे हुआ ये? अरे क्या बताऊं दीदी, मैं गया था नदी पर एक और घाट तलाशने, क्या वही नाव चलाऊंगा, अरे बात कर ही रहा था कि किसने लाठी मार दी और कहा कि खबरदार इधर मत आइयो। हाँ हे भगवान, ये तो कपार ही फोड़ कर आ गए, किन पत्थरों के पास गए थे? किस्मत में मार खाने लिखे तो क्या करें। अरे सर फूट गया तो क्या हुआ, हाल पूछने के लिए रत्ना तो है। ये कौन बोल रहा है, ये मुंह छिपा कर क्यों बोल रहा है, जिसने बोलना है सामने आकर बोले। कौन मुंह छिपा रहा है, ये क्या बकवास है, ये तो आप भी जानती है कि इन दोनों के बीच क्या पक रहा है। अगर हिम्मत है तो रत्ना का हाथ क्यों नहीं थाम लेता ये, एक बेवा से शादी करने की हिम्मत कहाँ है इसमें। एक लाठी नदी के किनारे सर पे पड़ी थी और दूसरी तुमने चला। आप सब लोग चलिए, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। चलिए चलिए जल्दी। अगर ये तानेबाजी ही होनी है तो नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। मंझधार में आकर लौटा नहीं जाता, क्यों घेराओ? मैं रत्ना से ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन उसे खिलाऊंगा क्या? सोचा था पुल बनने से पहले रोजी रोटी तलाश कर लूंगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पुल बन रहा है मतलब नाव का काम खत्म, कोई बात नहीं, नदी को पार किया जा सकता है पुल से। हाँ घेरो, तुम तिपहिया क्यों नहीं चलाते, तुम्हारा काम तो वही रहेगा नदी पार कराने का। क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है, कहां से आएगा इतना रुपया? देखो घेरो,
आजकल बैंक से आसानी से कर्ज मिल जाता है, लेकिन बैंक वाले ये भी तो जांचेंगे कि जिस काम के लिए कर्ज लिया जा रहा है उस काम का इसे हुनर है भी या नहीं। सो तो है, तिपहिया चलाकर तो दिखाना पड़ेगा। इसे ही तो कहते हैं गाड़ी के आगे काट का खड़ा होना। तुम लोग भी आंख पर पट्टी और कान में तेल डालकर बैठे रहते हो। तुम्हें पता नहीं आजकल सरकार ने जगह जगह पर जन शिक्षण संस्थान खोल रखे हैं, जहाँ तुम जैसे नव शिक्षित लोगों को तरह तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। हाँ, इसके बारे में सुना तो मैंने भी है। जब सुन रखा है तो कल वहाँ हो भी आओ। मैं तुम्हें वहाँ के प्रबंधक के नाम पर एक चिट्ठी लिख दूंगी, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा जी। और हाँ रत्ना, देखो तुम्हारे सहारे ही तो घेरो आज यहाँ तक आ पहुँचा है, और यहाँ से आगे जाने के लिए भी उसे तुम्हारी ही जरूरत है। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जिंदगी का ये सफर तुम दोनों साथ मिलकर ही तय करो। अरे नाव चलाने में अपना जोर लगता है, नाव चलाकर लौटता था तो जोर जोर में दर्द होता। यहाँ तो बस हैंडल का जरा सा कान उठो और हवा से बातें कर लो। पेड़ कितने हरे भरे हैं और आसमान एकदम नीला। ये सब हमेशा से ऐसा दिखता था, पर रोजी रोटी की चिंता से हर चीज मुरझाई कुमलाई से दिखती थी। रत्ना, मुझे तो मालती दीदी की वो वाली बात याद आती है कि शिक्षा की जब ज्योति जलेगी कष्ट हमारे दूर करेगी। हीरो तुम? आपको जरा इंतजार तो नहीं करना पड़ा दीदी? नहीं नहीं, मैं अब कैसी हूँ रत्ना? बिल्कुल ठीक दीदी, चलिए बाकी बातें घर चलकर करेंगे। जरूर तो आओ, मैं पकड़ती। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। आप कैसी हैं? आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। ले ले बेटी चाय। हाँ काकी। ओ आप बैठो ना। अच्छा देखो सच बात तो ये है कि मेरा भी आप सब लोगों से मिलने का बहुत मन चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास एक घेराव या एक रत्ना हो तभी तो कहीं निकलूं। पर हमारे पास तो एक ही दीदी है। रत्ना अब ज्यादा चापलूसी नहीं, और पहले मुझे ये बताओ कि मुझे बुलाया क्यों है, नहीं तो अभी के अभी लौट जाऊंगी। मैं बताती हूँ दीदी, बात ये है घेराव अपनी बरसों पुरानी गलती को सुधारना चाहता है गाँव में सेंटर खोल कर, फूलपुर गाँव में। क्या फूलपुर गाँव में? हाँ, और मैं चाहता हूँ इस सेंटर की शुरुआत आपके हाथों हो दीदी। अच्छा तो ये बात है, अरे वाह ये तो वाकई अनहोनी है, सेंटर और वो भी फूलपुर गांव में। दीदी एक बात बताऊँ, जब लठ थामने वाले हाथ कलम थाम लेते हैं ना तो ऐसी अनहोनी हो ही जाती है। अरे वाह रत्ना, तुम्हारा घेराव तो पूरे का पूरा मास्टर बन गया है। चलो ठीक है, मैं एक शर्त पर यहाँ पर सेंटर की शुरुआत कर सकती हूँ कि मेरे जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। बोलो मंजूर? जी मंजूर है। और हाँ एक और खास बात,
कि वहाँ पर काकी को भी लेकर जाना होगा पढ़ाने के लिए। दीदी आपको एक बात बताऊं, अम्मा तो अपना नाम लिखना सीख भी चुकी है। सच में? बिल्कुल। और ये सब आपकी और रत्ना की वजह से संभव हो सका दीदी? नहीं घेरो, मेरी नहीं, ये सब तो बस रत्ना की वजह से संभव हुआ है। हाँ रत्ना, तुमने सच में बहुत कमाल का काम किया है। प्यारे सरवर तजी कहाँ जा, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जा, जहे सरवर बीच मोतिया चुगते, जहे सरवर बीच प्यारे सरवर तजी कहाँ।